नमस्कार। सीएम गहलोत की ओर से जारी लगातार हमलों को झेल रहे सचिन पायलट आखिरकार बोल ही पड़े। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान को लेकर भी कयास लग रहे हैं कि वहां पर राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। लंबे समय से सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत की तकरार चर्चा का विषय है। कहा जा रहा है कि यहां भी कुछ बड़ा हो सकता है। इस बीच सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। टोंक के प्रवास पर सचिन पायलट से गहलोत को लेकर सवाल पूछे गए थे। उनके नकारा और निकम्मे वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया मांगी गई। अब उस विवाद पर सचिन पायलट ने खुलकर बात की है। वे कहते कि सीएम गहलोत ने मेरे बारे में काफ़ी कुछ कहा है, मुझे नकारा निकम्मा बताया गया है, मैं उनके बयानों और अलग तरह से नहीं लेता हूँ। अशोक गहलोत जी बुजुर्ग है, अनुभवी और पिता तुल्य है, वो बोल देते हैं तो मैं बुरा नहीं मानता। शनिवार को सीएम गहलोत की तरफ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और सचिन पायलट पर निशाना साधा गया था। उन्होंने कहा था दो साल पहले सरकार गिराने में ये दोनों शामिल थे। उनके उस एक बयान के बाद सीएम के करीबी मंत्रियों ने भी पायलट पर तंज कसे थे। ऐसे में उसी विवाद पर सचिन पायलट ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस बार गहलोत पर हमला करने के बजाय उनका बचाव किया है। धन्यवाद।